अगर आपने आर्मी ऑफ द डेड मूवी देख रखी है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि उस मूवी में एक करेक्टर था, उस करेक्टर को लेकर ये वाली मूवी बनाई गई है, यानी जिसके बारे में बात करने वाला हूं उस करेक्टर के ऊपर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी ऑफ थीव्स मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। टोटल इसकी लेंथ 2 घंटे के आसपास है, और आर्मी ऑफ डेड, आर्मी ऑफ द डेड, आर्मी ऑफ थीव्स, मतलब आर्मी आर्मी हो रही है हर जगह। इनके रचयिता हैं जैक स्नाइडर भैया। देखो, काफी समय से मैं कोई मूवी या सीरीज नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यार देखो, दिमाग को एक बार शांत करने की जरूरत लगी मुझे कि यार एक बार इनसे दूर हटते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। कोई जरूरत जरूरी नहीं है कि मूवी बस देखकर वीडियो बनानी ही बनानी है, तो थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया। फिर इस मूवी का मैंने बहुत पहले ट्रेलर देखा था, तो अब ये जब आई तो लगा कि यार इसको देख ही लेते हैं यार, मतलब अच्छा था, ट्रेलर अच्छा लगा था, इसलिए इसको देखने का फैसला किया। बट अब क्या क्या मैं बताऊं, मतलब पहले तो इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखो, आर्मी ऑफ द डेड अगर देखी है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका रेफरेंस लेके इस मूवी को बनाया गया है। उस मूवी के अंदर एक सेबेस्टियन सेबेस्टियन नाम का एक करेक्टर था, इस मूवी में उसी की कहानी दिखाई गई है। सेबेस्टियन एक तिजोरी खोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है, थोड़ी से कुछ सेकंडों के अंदर वो लॉक खोल देता है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर। और हमने आर्मी ऑफ द डेड मूवी के अंदर भी उसका करामात, मतलब बढ़िया सा उसका क्या क्या कहते हैं वैसे उसको, मतलब उसका जलवा देखा था। और इस मूवी में 4 तिजोरियों की जिक्र किया गया, लेकिन दिखाई इसमें 3 गई हैं, चौथी तिजोरी आपको कहीं देखने को मिलेगी, वो कहां जब आप ये मूवी देखोगे तब पता चलेगा, लेकिन इस मूवी के अंदर वो नहीं है। तो सेबेस्टियन को कुछ चोर हायर करते हैं कि देखो भैया हमारे साथ आ जाओ, कुछ ये 3 तिजोरियां खोलनी बोलनी है, तुम्हें यहां से पैसा मिलेगा, तुम्हारा नाम मुंह हो जाएगा, तुम्हारा भी सपना है कि भाई यहां इतनी दुनिया की सबसे महान, मतलब मजबूत, क्या कर रहा हूं यार मैं, अटक क्यों रहा हूं, मतलब मजबूत तिजोरियां, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरियां तुम्हें खोलने को मिलेगा, और तुम्हारा भी मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाएगी कि तुम कैसे खोल पाते हो। तो ये भैया सेबेस्टियन उनके साथ हो लेते हैं। अब इसको लेकर कहानी हमारे सामने रखी गई है। बेसिकली पूरी मूवी का फंडा ये है कि सेबेस्टियन तिजोरी खोलता है, बस 3 तिजोरियां इसमें खोलती हुई दिखाई जाती है। क्या देखो यार, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो आप लोगों को इसकी क्या है यार, हर बार अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा होगा तो आपको इसकी स्टोरी का पता चल गया होगा। तो ऐसा मत बोलना कि यार मैं कोई स्पॉइलर दे रहा हूं, दे रहा हूं क्या। तो अब स्टोरी की चर्चा तो हो गई, अब इसके बारे में बात करते हैं कि अच्छी है या बुरी है। बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी है, इतना कोई अप एंड डाउन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। सीरियसली जब मैंने इस मूवी को स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था तो एक उम्मीद थी कि यार हाँ, इसकी एंडिंग में कम कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरे मतलब वक्त बदल दिया, हालात बदलने वाली फीलिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल प्लेन स्टोरी चलती है, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हाँ भैया ये सेबेस्टियन है, इसको हायर कर लिया गया है, इसको तिजोरियां खोलनी है, बस वो चल रहा है और चीजें चल रही हैं, मतलब कुछ भी फीलिंग नहीं होती, कोई सस्पेंस नहीं होता। एक चोरी कर रहे हो यार उसके अंदर, अगर आप लोगों को कहे आप चोरी करो, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं, मतलब इमेजिन करने की बात है, मतलब कुछ करना मत, मुझे मतलब कहना मत, मतलब इमेजिन करो कि अगर आप लोगों को कोई तिजोरी खोलनी है तो आप एटलीस्ट प्लान तो बनाओगे ना यार, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, बैंक में जाना है तो मतलब क्या होगा कि गार्ड भैया खड़े होंगे, वो गोली शोली मार देंगे, तो कुछ ना कुछ तो प्लान बनाओगे। इसके अंदर तो यार वो भी नहीं है, मतलब चोर जा रहे हैं बैंक के अंदर, तिजोरी इनके सामने रखी गई है, आओ महाराज आपका इंतजार था तिजोरी खोलने के लिए, हम ही बैठवाए थे, मतलब कि ला रखी है, खोल दो और चलो यहाँ से। मूवी देखने वाले तो पागल ही है, उनको कर लेंगे एंजॉय। सीरियसली 30 मिनट बाद मुझे उबासी आई थी, और ये मैंने टाइम देखा था एग्जैक्ट 28 मिनट 36 सेकंड थे शायद, मतलब मुझे टाइम याद है, मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा, मेरे टाइम क्या हो गया, कितने मतलब कितना टाइम बीत गया कि जो मुझे उबासी आ रही है। ये मतलब ये चीजें बता देती है कि मूवी में कितना इंटरेस्ट बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। इस मूवी को जैसे कि जिस करेक्टर के ऊपर आधारित करके बनाया गया, मतलब जिस पे बनाया गया है इस मूवी को, मुझे नहीं लगता कि यार उसकी कोई जरूरत थी। ये मूवी ना भी होती तो कोई इतना मतलब प्रभाव ना पड़ रहा होता कि हाँ हमने एक स्टोरी मिस कर दी। धक्के से बनाई हुई स्टोरी लगती है कि हाँ भैया इसको बना लेते हैं। करेक्टर काफी अच्छा है सेबेस्टियन, जैसे उसका मतलब भोलापन सा वो देखने को मिलता है, वो डरा हुआ सा है और मतलब एकदम दुनिया से अनजान है, वो काफी पसंद आता है। कॉमेडी किसके अंदर ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मुझे वो काफी पसंद आया, लेकिन उसके अंदर भी यार देखो बचकानापन देखना। सेबेस्टियन एक यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, काफी सारी वीडियोस उसने ऑलरेडी डाल रखी हैं, लेकिन उसके ऊपर व्यू देखते हैं 0.00। भाई सेबेस्टियन खुद अपनी वीडियो नहीं देखते हैं क्या यार, मतलब मेरे को देख लो यार, मैं भी 40 व्यू ले आता हूँ यार यहाँ पर, तो मतलब खुद की वीडियो में 3-4 बार देख लो तो 3-4 व्यू तो मेरे भी काउंट हो जाते हैं, कमाल। मेरे पास एक और फोन भी है उसके अंदर, जिसमें मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब
वॉइस जिसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, वो उस फोन से मैं अलग से देखता हूँ। मतलब दो तीन व्यू तो मैं खुद अपने ले आता हूँ यार, लाइक अपने खुद ले आता हूँ। मतलब अपनी बोल बोल रहा हूँ, वो कहने की बात यह है सेबेस्टियन बिल्कुल पागल है, वो अपनी खुद की वीडियो नहीं देखता तो दूसरे क्या घंटा देखेंगे उसकी वीडियो। और यहाँ जो मैंने बचकानापन कहा कि भैया यूट्यूब पे इसकी जो वीडियो कोई एक शख्स देख लेता है, एक ही व्यू होता है, एक ही लाइक होता है और एक ही कमेंट होता है, कहता है कि अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो आ जाओ यहाँ पर, एक जगह का एड्रेस दिया जाता है और सेबेस्टियन भैया तो वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे पागल हो गया यार, इतनी सारी वीडियोस पे ऑलरेडी मेरे व्यूज आते हैं, मतलब व्यूज नहीं कमेंट आते हैं थोड़े बहुत, एक दो कमेंट तो मेरे पे आते हैं कि भाई अपना नंबर दे दो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वहां तो मैं भी भाव खा के बैठा हूँ, नंबर नहीं दे रहा हूँ यार, वो एक कमेंट के ऊपर कैसे वहां पर पहुंच गया यार, दिमाग नहीं है क्या उसके पास? मतलब कुछ भी चल रहा है भैया, कुछ भी, मतलब बना नहीं है स्टोरी, इसको पहुंचा दो, तिजोरी खुलवा दो, इससे कुछ भी करवा लो। मैं मजाक कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मजाक उड़ा दिया मैंने। कैप मूवी की स्टोरी जैसे यार बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई सस्पेंस वस्पेंस नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि नयापन देख रहे हो, कुछ ऐसा नहीं लगेगा। इवन तिजोरी खोलते वक्त भी ऐसी कोई सस्पेंस वाली फीलिंग नहीं आएगी। देखो यार मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट एट द एंड आपको पता है कि क्या हो रहा है, और बहुत ज्यादा सिंपल एंडिंग है इसके अंदर, इतनी प्रेडिक्टेबल एंडिंग, तो यार मतलब इससे बढ़िया एंडिंग सोच के बैठा था कि यार इतनी बढ़िया एंडिंग होगी, उससे भी यार बिलो एवरेज, इतनी एवरेज से भी नीचे जा रही है उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा निराश करती है यार मूवी, सच कहूं मैं। कॉमेडी ठीक ठाक मुझे लगी इसके अंदर, हाँ इसके जो विजुअल्स हैं वो काफी अच्छे लगे, सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, वो देखकर तो हाँ संतुष्टि होती है। वहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि यार आप वन टाइम वॉच इसको कंसिडर कर सकते हो, क्या मतलब कि थोड़ी बहुत कॉमेडी देखनी है, हल्की फुल्की आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब सीन तो क्या बात करूं यार, देखो गाली गलौच है, अगर आप इसको हिंदी में देख रहे हो तो गाली गलौच बेशक आपको मिलेंगे, वल्गर सीन नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात तो है ही नहीं ना, कोई बात नहीं, हाँ हिंदी डबिंग मुझे अच्छी लगी, तो मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 सर, अगर आप 4.5। तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और नहीं देखा है तो प्लीज क्या कह सकता हूँ यार, वीडियो तो देख ही ली होगी, अब आपकी इच्छा है यार, जो करना है वो करो यार। चाहे तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।